हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो फ्लूइड मैकेनिक्स था वो चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। हमने फ्लूइड मैकेनिक्स को दो पार्ट में कराया, फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स। मैंने केवल यूट्यूब पर फ्लूइड डायनेमिक्स की भी वीडियो अपलोड की थी, फ्लूइड स्टैटिक्स की वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया था, वो मैंने पहले ही बच्चों को करा दिया था। बाद में मैं फ्लूइड स्टैटिक्स की भी वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट तो हो गया है, अब हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चे मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं इस पर बेस्ड। तो जैसे ये क्वेश्चन आपका फ्लूइड स्टैटिक्स में मैंने कराया हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन कि एक वेसल है जिसमें 3H/4 हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना। और ये वैसे एक क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब की मतलब घनाकार का है और इस, ठीक है, इसकी जो साइड्स है वो H×H×H है, ये है। अब इस क्यूब को हम ए एक्सेलरेशन से मूव करा रहे हैं, ए एक्सेलरेशन से जब त्वरित कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि इस क्यूब को, इस वेसल को मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन दे सकते हैं, मतलब ए मैक्सिमम क्या होगा कि इसमें जो लिक्विड है वो इससे बाहर नहीं निकले, तो मैक्सिमम इस क्यूब को हम कितने एक्सेलरेशन से मूव करा सकते हैं, ये मेरा प्रश्न है। ठीक बेटा, तो इसका सॉल्यूशन देखो, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो जिसमें आपको बताया कि जो लिक्विड की जो लेयर्स होती हैं वो हमेशा नेट बॉडी फोर्स के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मैं इसके अंदर जाके बैठ जाता हूं, ठीक है, ये समझिए कि मैंने अपने आप को बहुत छोटे रूप में कन्वर्ट कर लिया और मैं इसके अंदर जाके बैठ गया। जब मैं इसके अंदर जाके बैठूंगा, मान लीजिए मैं यहां पर चिपक गया इसके साथ, जब मैं इस तरह जाकर बैठा, तो अगर मैं कोई भी पॉइंट मानता हूं तो एक फोर्स तो एमडी फोर्स इधर लगेगा नीचे की ओर, और मैं कहूंगा कि मेरा जो सिस्टम है जिसमें मैं हूं, ये सिस्टम मेरा त्वरित हो रहा है, एक्सेलरेटेड सिस्टम है मेरा। और बेटा आपको पता है कि जब भी हम किसी बॉडी का ऑब्जर्वेशन एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम से करते हैं, हम नॉन इनर्शियल फ्रेम या इनर्शियल निर्देश तंत्र कहते हैं, तो वहां से देखने पर न्यूटन के नियम अप्लाई नहीं होते। तो न्यूटन के नियम को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक सूडो फोर्स जिसे हम छदम बल कहते हैं वो लगाना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा जब मैं इसके ऊपर बैठूंगा तो मैं इस पर एक सूडो फोर्स, क्योंकि मेरा जो निर्देश तंत्र है, जो मेरा रेफरेंस फ्रेम है, वो आगे की ओर ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो जब मैं इस पर बैठूंगा तो मैं एक सूडो फोर्स लगाऊंगा, और सूडो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो रेफरेंस फ्रेम की डायरेक्शन के क्या होती है, अपोजिट होती है। जो मेरा फ्रेम है उसकी एक्सेलरेशन डायरेक्शन की, उसकी एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो बेटा मेरा सूडो फोर्स का लगेगा पीछे, तो एम इंटू ए। तो जो नेट बॉडी फोर्स होगा, नेट बॉडी फोर्स कुछ ऐसा होगा। तो इसका मतलब जो मेरी लेयर्स होंगी लिक्विड की, वो लेयर्स किस तरह सेट होंगी, इस नेट बॉडी फोर्स की इस तरीके से परपेंडिकुलर सेट होंगी। आप समझ में आ रहा हो, तो ये नेट बॉडी फोर्स है, जो लेयर्स हैं वो इस तरीके से सेट होंगी, ठीक है। तो मेरा अभी से इसकी जो हाइट है वो कितनी है, एच है। तो ये आप क्लियर हो गया कि नेट बॉडी फोर्स के परपेंडिकुलर मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है ना। जो मेरे लिक्विड की लेयर्स हैं वो नेट बॉडी फोर्स की क्या होंगे बेटा, परपेंडिकुलर होंगी। तो अब मेरा नेट बॉडी फोर्स इस तरीके से, तो ये मैक्सिमम हाइट कितना जा सकता है, मैक्सिमम लिक्विड कितना मैक्सिमम हाइट तक ऊपर जा सकता है। इसके बाद अगर लिक्विड चला गया ऊपर तो क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो इस स्थिति और इस स्थिति पर क्या चीज आपको कॉमन दिख रही है, मैं कह रहा हूं ये मेरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन है इस समय जिससे मैं मूव कर रहा हूं, जो मुझे कैलकुलेट करना है। तो इस स्थिति और इस स्थिति में मुझे क्या चीज दे रही है कि जो वॉल्यूम, अगर लिक्विड इससे बाहर नहीं निकल रहा, तो जो वॉल्यूम इस कंटेनर का वही वॉल्यूम इस कंटेनर का होना चाहिए। तो बेटा अगर हम देखें यहां पे, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है,
इनिशियल वॉल्यूम कितना हो देखो आप कि आपका मैंने क्यूब टाइप लिया तो क्यूब टाइप लिया तो इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना हुआ ठीक है h into 3hy4 सो v इनिशियल कितना आ गया बेटा 3h³/4 तो ये इनिशियल वॉल्यूम है आपका। अगर मैं इसके फाइनल वॉल्यूम देखूं इस स्थिति पर इसका वॉल्यूम देखूं तो बेटा इस पोजीशन पर वॉल्यूम क्या हुआ तो ये कैलकुलेट करने के लिए मैंने अभी यहां से इसको इस तरीके से मिला लिया। मैंने कहा ये मेरी हाइट x है। अगर ये हाइट x है तो ये हाइट कितनी होगी आपकी h माइनस के x ठीक है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालू v फाइनल तो v फाइनल क्या होगा इस h माइनस x हाइट का वॉल्यूम प्लस जो आपके ट्रायंगुलर शेप बनी है इसका वॉल्यूम। तो v फाइनल क्या हुआ इस वाले पोर्शन का वॉल्यूम क्या हुआ मेरी ये पोर्शन आप क्या हो गया इस वॉल्यूम क्या हो गया h क्योंकि इसका बेस कितना h इधर वाली जो ऐसे परपेंडिकुलर हाइट है इस तरीके से ना क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल क्यूब है तो एक परपेंडिकुलर हाइट h ऐसे होगी ना इसके पीछे तो h और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी आपकी h माइनस के x। ये तो मैंने इस वाले पोर्शन का वॉल्यूम निकाला। अब मुझे इस वाले पोर्शन का वॉल्यूम निकालना प्लस इस वाले पोर्शन का वॉल्यूम क्या हो गया आपका ट्रायंगुलर शेप है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना इसका 1/2 ये वाली डिस्टेंस कितनी आपकी h और ये बेस कितना हो गया आपका x 1/2 आधा गुणा कर लिया 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस ठीक है। और एक इसकी ये वाली हाइट कितनी होगी तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाली हाइट होगी ऐसे तो ये कितनी आ गई आपकी वो कितनी होगी h तो फाइनल वॉल्यूम अपना कितना हो गया अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो दोनों ओर से h स्क्वायर कॉमन आ गया आपका h माइनस x प्लस x बाई टू सो v फाइनल इक्वल टू h स्क्वायर इंटू h माइनस x बाई टू। तो ये आपका फाइनल वॉल्यूम ये आपका इनिशियल वॉल्यूम। अब हमें पता है इसे वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है सो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैं यहां पे नोट कर रहा हूं तो वॉल्यूम कांस्टेंट को v इनिशियल इक्वल टू क्या v फाइनल है क्योंकि लिक्विड इससे बाहर नहीं निकल रहा ठीक है। सो हम यहां से क्या बोलेंगे 3h³/4 इक्वल टू क्या हुआ आपका h स्क्वायर इंटू एच माइनस x बाई टू तो h स्क्वायर से h कैंसिल 3h/4 इक्वल टू एच माइनस x बाई टू सो ऑन सॉल्विंग x बाई टू इक्वल h माइनस 3h/4 so this is equal to h/4 so on solving x equal to h/2 so it means जो x की वैल्यू होगी वो आप कितनी होगी h/2। अगर आपके x की वैल्यू h/2 है so अब एक कंडीशन है बेटा आप यहाँ पे ये एंगल आपका थीटा है। अब एक चीज को मैंने आपको बताया जो नेट बॉडी फोर्स है वो कुछ ऐसे होगा अगर मैं यहाँ पे देखूँ ध्यान से तो इधर था अपना mv और इधर का आपका एम ए और ये एंगल आपका ठीक है ना और आप देख रहे हो नेट जो आपकी लेयर से वो इस तरीके से तो ये एंगल आपका क्या हो गया थीटा। सो आपका ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी अगर मैं यहां से देखूं अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है तो जो नेट बॉडी फोर्स वो इधर है ठीक है नेट बॉडी फोर्स आपका इधर होगा तो अगर ये थीटा क्योंकि ये परपेंड नेट बॉडी फोर्स इस तरीके से मैंने कहा ये है इन दोनों का रिजल्ट है तो देखो ये थीटा ये 90 माइनस थीटा ये जो नेट बॉडी फोर्स है सरफेस से क्या होता है परपेंडिकुलर सो दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा। सो अगर ये आपका थीटा है तो यहां से आपका टेंटा क्या आएगा टेंटा अगर इधर से निकाले तो टेंटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो परपेंडिकुलर कितना है जिसके साथ एंगल बनता है वो बेस होता है तो ये आपका बेस हो गया या आपका परपेंडिकुलर हो गया सो एम ए अपॉन एम जी सो टेन थीटा इक्वल टू ए वाई जी ठीक है। तो यहां से टेन आपका ए वाई जी आ गया। अगर हम डायग्राम्स देखें सो फ्रॉम डायग्राम सो फ्रॉम डायग्राम एक्स टेन का क्या आपका एक्स डिवाइड बाई एच ये आपकी h ये वाली हाइट ये भी h हो गई
इक्वल टू क्या हो गया ए अपॉन जी। सो एक्स वैल्यू हम निकाल सकते हैं एच बाई टू डिवाइड बाई एच इक्वल टू ए अपॉन जी। सो ए इक्वल टू फाइनल कितना है आपका जी बाई टू। दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन फ्रॉम विच बॉडी शुड बी एक्सेलरेट। तो सब बच्चे से नोट करें। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप बेटा कि ये भी आपका फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़िए। तो क्वेश्चन ये कि एक लिफ्ट है और उस लिफ्ट के अंदर एक बैरोमीटर रखा हुआ है। आप बता कि बैरोमीटर यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बैरोमीटर का यूज हम वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए करते हैं। बट अब जो ये अरेंजमेंट है लिफ्ट में रखा हुआ है और लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। जब यह लिफ्ट मूव नहीं कर रही थी तो उस समय इसमें जो हाइट है इसकी वो एच है। ठीक है अब मेरा क्वेश्चन ये कि ये हाइट एच है, जब मैं इसको ए एक्सेलरेशन से मूव करूंगा तो ये हाइट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या इक्वल रहेगी। तो ये मेरा ऑप्शन है, आपको इस पर कमेंट करना है। थोड़ा एक देखो यहां पर तो ए है तो एयर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पर प्रेशर क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब मुझे पता है कि अगर मैं नेट बॉडी फोर्स देखूं, नेट बॉडी फोर्स क्या होगा देखो इधर, अगर मैं लिक्विड में नेट बॉडी फोर्स देखूं तो नेट बॉडी फोर्स क्या होगा, तो नेट बॉडी फोर्स कितना आपका एक तो एम के नीचे की ओर और एक अगर मैं लिफ्ट के अंदर जाकर बैठू तो मेरा जो लिफ्ट है वो एक्सीलरेट हो रही है। तो लिफ्ट एक्सीलरेट हो रही है, ट्वेल्थ हो रही है। तो अगर मैं लिफ्ट के अंदर बैठूंगा तो मुझे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है और वो सूडो फोर्स किधर होगा नीचे की ओर, क्योंकि मेरा रेफरेंस फ्रेम किधर है ऊपर की ओर, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा नीचे की ओर, कितना हो गया एम के। तो नेट जो बॉडी फोर्स है इसके लिक्विड के हर पार्टिकल पर जो नेट बॉडी फोर्स लगेगा नीचे वो एम जी प्लस ए लगेगा। तो ये जो टर्म है यहाँ पे तो आपकी ये आपको लगेगी जी इफेक्टिव। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना होगा जी प्लस ए। क्लियर तो बेटा अगर ये लेफ्ट एयर मूव नहीं करती तो पी नॉट इक्वल टू क्या होता है रो जी एच। ठीक है ये कब है व्हेन लिफ्ट नॉट एक्सेलरेटेड। अब लिफ्ट एक्सेलरेट हुई है सो अब पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा रो। अब जब एक्सेलरेट हुई नेट एक्सेलरेशन कितना आपका जी इफेक्टिव इनटू एच डैश। सो यहां से अगर हम देखें सो रो जी एच इस जगह यहां पर पुट कर दिए वैल्यू, ये तो यहां पे पी नॉट रो जी एच है, यहां पे पी नॉट रो जी एच होगा इक्वल टू रो जी फैक्टर कितना बनता जी प्लस ए इंटू एच डैश। सो रो से रो कैंसिल तो एच डैश इक्वल टू जी अपॉन जी प्लस ए इंटू एच। सो ये जी प्लस ए ये बड़ी क्वांटिटी है इसकी तुलना में, तो ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू वन से क्या होगी कम होगी। तो जब वन से कम होगी तो एच डैश शुड बी लेस देन एच। तो हम क्या बोलेंगे कि एच डैश का मान क्या होगा एच से कम होगा, इसका मतलब लेवल ऑफ हाइट विल बी डिक्रीज। ठीक है इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हाँ बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है नीचे आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसे नोट कर लें कॉल करके। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी ये वेलोसिटी ऑफ एयर फ्लक्स पर है जो मैंने फ्लूइडायनेमिक्स में आपको पढ़ाई कि ये आपका एक कंटेनर है और ये कंटेनर यहां से आपके अर्थ लेवल से ठीक है ग्राउंड लेवल से जिस पर लिक्विड गिरेगा वहां से एच वाई टू हाइट पर। तो मेरा प्रश्न ये है कि इसमें आप कहीं पर भी छिद्र करो, किसी भी जगह छिद्र करो तो लिक्विड मैक्स इसमें छिद्र करने पर लिक्विड मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पर जाके गिर सकता है ये आपको बताना है। ठीक है तो मतलब नहीं फॉर मैक्सिमम और मतलब कि लिक्विड मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव करे वो वाला प्रश्न है कि लिक्विड इससे मैक्स या हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम मूव हमने किया होता तो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कितनी हो सकती है वो निकालो। वही है लिक्विड की मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी हो सकती है उसकी वैल्यू निकालो। तो बेटा मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए अगर मान लीजिए ये मेरा बेस होता, ठीक है ना ये मेरा बेस होता तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए कॉन्सेप्ट में निकालना कि टोटल हाइट के हाफ पर क्या कर दो आप छिद्र कर दो होल कर दो तो वहां से जो लिक्विड आएगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाकर गिरेगा। ठीक है ना
अगर मान लीजिए हाइट इतनी, अगर अब ये हाइट क्लास ली गई यहां से, तो अब हमें जो लेवल मेजर करना वो कहां मेजर करना, बेस से जहां से गिर जाता है, ठीक है। अगर यहां से गिरा, अगर मान लीजिए हाइट बहुत ज्यादा होती, टू है छोटी, तो हम वो वाला फंडा लगा ही नहीं सकते थे, क्योंकि इतना लिक्विड जिस पॉइंट पर होता तो नहीं गिर पा, ठीक है। तो हम फिर उसे अपने जो पुराना कॉन्सेप्ट है प्रॉपर ढंग से जो हमारा बेसिक तरीका उससे ही सॉल्व करते हैं, बट हमारा प्रश्न यहां पर है। तो मुझे बता कि 4 मैक्स हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए जो लिक्विड में छिद्र का आकार करना है, उस जगह छिद्र करना है जहां पर, ठीक है, बेस से और इस फ्री सरफेस की डिस्टेंस का हाफ। तो बेटा बेस से फ्री सरफेस की डिस्टेंस हाफ कितनी हो गई, तो देखो टोटल ये डिस्टेंस कितनी है, टोटल ये डिस्टेंस कितनी बेटा, ये आपकी है 3h/2। तो हमें छिद्र काम करना पड़ेगा इसका हाफ, ठीक है। तो हम कहेंगे 4r मैक्सिमम, ठीक है, जो h होनी चाहिए, 4r मैक्सिमम h इक्वल टू क्या होना चाहिए, टोटल h डिवाइड बाय 2, चाहे बेस से मानो चाहे टॉप से मानो। तो मैं इसको टॉप से ले लेता हूं, साफ आदमी फ्रॉम टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड है ना। तो बेटा यहां से h वैल्यू क्या आ गई, h वैल्यू कितना आपका 3h/2, तो इसका हाफ कितना हो गया 3h/4। तो यहां से 3h/4 डिस्टेंस मतलब यहां पर ये वाली डिस्टेंस, तो ये आपके हो गए 3h/4। सो अगर ये 3h/4 है, तो ये अब यहां से जो लिक्विड आएगा ये मैक्सिमम वेलोसिटी से जाकर गिरेगा। अब ये मैक्सिमम रेंज कितनी है, हमें ये निकालनी है, तो मैंने कहा ये यहां पर जाकर गिरा, सो व्हाट विल बी मैक्सिमम रेंज, तो मुझे यहां से ये आर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है ये कैलकुलेट करनी है। सो मैक्सिमम रेंज कितनी है निकालने के लिए कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखो यहां पे जो u वेलोसिटी, u क्या होगी, u इक्वल टू होती है अंडर रूट 2gh, और h कहां से आएगा, टॉप सरफेस से, तो यहां से u वैल्यू कितनी हो गई, u अंडर रूट 2g, और h कितना आपका 3h/4। सो ये 2 टाइम्स, तो आप कह सकते हो अंडर रूट 3/2g कैपिटल h, तो ये u हो गई। अब देखो यहां से और जिस पर गिरी है उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी, देखो ये h/2 और ये h/2, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है 3h/2। तो मैं कहूंगा कि ये वाली डिस्टेंस बेटा यहां से ये वाली डिस्टेंस ये कितनी आपकी 3h/4, ये वाली डिस्टेंस कितनी आपकी 3h/4। तो आपको पता है कि r मैक्सिमम क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, या आपकी रेंज का फॉर्मूला होता है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी